ये सर्जरी यही हुई है और इसी का सर्जरी यहाँ पे हुई है। कितना कदम चलते थे? दो चार कदम। अभी आपको चलने में कोई दिक्कत? कब ऑपरेशन हुआ है? कल रात में। जो रीढ़ का हड्डी है इसके पीछे से नस, मतलब जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो पास करता है, ठीक है। और ये कॉर्ड डिस्क जो है, ये डिस्क प्रेशर से उम्र बढ़ने के कारण वो डिस्क जो है खराब होने लगता है, जिसके कारण इसमें नस में दबाव आने लगता है और ये नस को दाब देता है। जैसे आगे से और पीछे से ये दाब दिया और दब जाने के कारण इसमें क्या होता है कि दबने के कारण नर्व, जब दब पूरा प्रेशर के कारण दबता है तो वो फिर पेन होता है और वो पेन तभी खत्म होगा जब उसको सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। तो ये बहुत, मतलब 2 घंटे का सर्जरी था और ये सर्जरी शुरू में वास्तव में पहले दिल्ली में हम भी जब भी ये सीखे हैं तो वो एम्स में जाके हम वहाँ पे काम सीखे। तो हम ये रात कल 12 बजे वो बाबा का किया गया था सर्जरी और ये इसको बोलते हैं कि ये डिस्क को, मैंने स्पाइनल कैनाल का इंटरेस्ट था, डिकम्प्रेशन सर्जरी किए। आजकल पीठ का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, टेढ़ा हो जाना, थोड़ा सा मतलब बॉडी लैंग्वेज थोड़ा दूसरा हो जाता है, टेढ़ हो जाता है या पीठ में ज़्यादा दर्द होता है, ये सब से कैसे निदान होगा? ये सब इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं अरुण ऑटो सर्विस, जहाँ ई रिक्शा की दुनिया में मयूरी की अलग पहचान, एकमात्र मयूरी का बेगूसराय में एक्सक्लूसिव शोरूम, जहाँ मिले सस्ते फाइनेंस में ई रिक्शा, तो ले जाइए सस्ते दर में अपने सपनों की मयूरी रिक्शा। कहाँ? तो गौरा 1 NH 28 बेगूसराय। तो आज ही आए और सस्ते दर में फाइनेंस करके ले जाए मयूरी ई रिक्शा अरुण ऑटो सर्विस से। ये सर्जरी यही हुई है और इसी का सर्जरी यहाँ पे हुई है। तस्वीर सर्जरी के बाद देख सकते हैं, पूरा ये बैंडेज किया हुआ है और इसी में इनका हुआ है सक्सेसफुल। अभी कोई दिक्कत आपको? पहले आप कैसे चलते थे, इतना चल पाते थे? कितना कदम चलते थे? दो चार कदम। अभी आपको चलने में कोई दिक्कत? कब ऑपरेशन हुआ है? कल रात में। ये देख सकते हैं, कल रात में ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है और स्पाइन रिलेटेड इनको प्रॉब्लम था जो सर ने बताया और देख सकते हैं काफी चल रहा है। तो अगर जो भी और कम खर्च में इन्होंने इलाज भी कर दिया, जो कि आज के डेट में बहुत सारे अस्पताल में ये सब इलाज सक्सेसफुल भी नहीं है और चार्जेस बहुत ज़्यादा लेता है, तो अब बेगूसराय आकर यहाँ पर आप इस तरह का इलाज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बेगूसराय में, मुझे लगता है जब क्रिटिकल केसेस की बात आती है मेडिकल सेक्टर में, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे अस्पताल जो है वो आपको बहुत सारा बाहर मतलब रेफ़र कर देते हैं और क्रिटिकल केसेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं बहुत सारा केसेस यहाँ पर। लेकिन ऐसा ही एक अस्पताल है जो कि डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टर सौरभ कुमार जी के द्वारा एक क्रिटिकल जो केसेस था, जो स्पाइन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम था, उनका यहाँ पर निदान किया है और पेशेंट को निःशुल्क, मुझे लगता है कि कम खर्च में इन्होंने यहाँ पर एक क्रिटिकल मेडिकल जो प्रॉब्लम था, जो कि चलने में उनको दिक्कत हो रहा था, बहुत दिन से वो ग्रसित थे। पूरी जानकारी तो मुझे मेडिकल सेक्टर में उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, तो हमारे बीच डॉक्टर सौरभ कुमार जी हैं जो कि PMCH से MS किए हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं एम्स से। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर थैंक यू। सर हम मेडिकली सेक्टर में उतना हम लोग को नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिकल केसेस जो हैं स्पाइन रिलेटेड होते हैं या फिर किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं मतलब रेफ़र ज़्यादा कर देते हैं। तो ऐसा क्या क्रिटिकल आपने जो मतलब ऑपरेशन किया है, क्या अलग है? जैसे ये ऑपरेशन जो है, ये जो बूढ़े बाबे थे, इनको चलने में धीरे धीरे इनको चलने में दिक्कत हो रही थी 2-3 साल पहले चलने, उसके बाद वो लोकल डॉक्टर या और कहीं डॉक्टर के साथ इलाज दवा खाए तो थोड़ा सा चलने में दर्द से आराम हुआ। फिर धीरे धीरे उनको चलने में 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, अपना नित्य क्रिया भी वो नहीं कर पाते थे, कितना भी दवा, बहुत सारा डॉक्टर के पास गए, सब जगह दवा और आदमी, बहुत कुछ आदमी उनको बोला गया कि आप दिल्ली चले जाएँ, वहाँ पर जाके आपका, और वो उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाएँ या पटना जाएँ, वो लाचार थे। तो एक बार मेरे क्लिनिक पर आए और बोले कि सर ऐसे ऐसे है, तो हम बोले कि आपका इसका इलाज है, ऑपरेशन से ये संभव है। तो वो बोला कि सर ये तो दिल्ली में होता है, तो हम बोले कि नहीं नहीं इसका इलाज है। तो बोला सर मेरे पास, तो उनके दिमाग में था कि स्पाइन का सर्जरी जब कभी होता है तो 1-2 लाख रुपया लगता है। हम बोले कि नहीं बाबा आप गरीब, वो गरीब आदमी थे, तो हम बोले आपका इलाज हो जाएगा, बस दवा और जो नॉर्मल खर्चा है वो। तो उनका हम मिनिमम 20,000-25,000 के आसपास रुपये खर्च पे उनका सर्जरी किए। एक्चुअली इनमें ये सर्जरी में इसमें क्या करना ये था कि ये
इनको इस बीमारी को हम लोग साइटिका बोलते हैं, शुरू में लोकल टर्म में साइटिका का बोलते हैं कि हो, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर देखेंगे कि ये जो रीढ़ का हड्डी है इसके पीछे से नस, मतलब जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो पास करता है, ठीक है। और ये कॉर्ड डिस्क जो है, ये डिस्क प्रेशर से उम्र बढ़ने के कारण वो डिस्क जो है खराब होने लगता है, जिसके कारण इसमें नस में दबाव आने लगता है और ये नस को दाब देता है, जैसे आगे से और पीछे से ये दाब दिया। और दब जाने के कारण इसमें क्या होता है कि दबने के कारण नर्व, जब दब पूरा प्रेशर के कारण दबता है तो वो फिर पेन होता है, और वो पेन तभी खत्म होगा जब उसको सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। तो ये बहुत, मतलब 2 घंटे का सर्जरी था, और ये सर्जरी शुरू में वास्तव में पहले दिल्ली में हम भी जब भी ये सीखे हैं तो वो एम्स में जाके हम वहाँ पर काम सीखे, तो हम ये रात कल 12 बजे वो बाबा का किया गया था सर्जरी। और ये इसको बोलते हैं कि ये डिस्क को, मैंने स्पाइनल कैनाल का इंस्ट्रक्चर डिकम्प्रेशन सर्जरी किए, डिकम्प्रेस करके वो डिस्क और लिगामेंटम फ्लेवम को हटाए, और उसके बाद फिर उनका जो भी घंटे का ऑपरेशन था, 2 घंटे का ये ऑपरेशन हुआ था, सक्सेसफुल रहा, एकदम सक्सेसफुल हुआ। रात ऑपरेशन हुआ, सुबह हम 10 बजे जब राउंड पे आए तो बाबा चल के हम लोग को दिखाए, और अभी आप देख सकते हैं कि वो पेशेंट अभी चलते हुए आपको बताएंगे, सब कुछ खुद से बताएंगे। मतलब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो पेशेंट देख रहे हैं, इस तरह के अगर प्रॉब्लम से जुड़ रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं, तो आपके समक्ष आके इस प्रॉब्लम का निदान हो सकता है? हाँ, निदान अगर इनिशियल स्टेज में है तो वो दवा से भी ट्रीट हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम होती है वो एज रिलेटेड, उम्र बढ़ने के कारण होता है, और पोस्चर, गलत पोस्चर में बैठने के कारण होता है कि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो अगर वो इनिशियल स्टेज में होगा तो मैं उनको प्रोफाइलेक्सिस बताया जाएगा कि ये गलत पोस्चर से नहीं बैठे ये, और अगर सीवियर, मतलब अगर इंड स्टेज में होगा तो फिर उसका सर्जरी से, जैसे ये बूढ़े बाबा का किया गया है। एक आपने एक बात रखी कि पोस्चर होता है, बहुत सारे लोग, कॉमन लोगों को आजकल पीठ का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, टेढ़ा हो जाना, थोड़ा सा मतलब बॉडी लैंग्वेज थोड़ा दूसरा हो जाता है, टेढ़ हो जाता है, या पीठ में ज़्यादा दर्द होता है, ये सबसे कैसे निदान होगा? ये सबसे निदान, जिससे आदमी जो वर्किंग आदमी है, जो चेयर पे काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको स्ट्रेट बैठना चाहिए, जो चेयर का जो बैक सपोर्ट होता है उसमें अपने बैक को लगा के, लेकिन आदमी क्या करता है कि गलत पोस्चर में आगे ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग रहता है, और हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग होने के कारण क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी का जो पोस्चर होता है वो ऐसे, जिसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, वो लॉर्डोसिस जो है वो स्ट्रेटनिंग, मैंने लॉर्डोसिस खत्म हो जाता है तो लंबर स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है, और जब वो स्ट्रेट होगा तो ये प्रेशर जो है ना डिस्क पे ज़्यादा पड़ेगा, और जब डिस्क पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो डिस्क दबेगा और वो फिर नर्व को दबता है। तो इस पोस्चर को हम लोग बताते हैं पेशेंट को, या तो अगर नहीं हो रहा है तो बेल्ट बांधने के लिए LS सपोर्ट का बेल्ट देते हैं, या उसको बोलते हैं पोस्चर में सुधार करो। इनिशियल स्टेज में इस ये करने के बाद वो, मतलब वो इस स्टेज में, इन स्टेज में आएगा ही नहीं बीमारी, अगर ये बीमारी आ गई तो फिर सर्जिकल करना पड़ेगा। अगर जैसे अब रात जिसका हम ऑपरेशन किए हैं, अगर वो बाबे का ऑपरेशन अगर नहीं होता तो 2-3 महीने के बाद उनका पूरा पैर ख़त्म हो जाता, मतलब पैराप्लेजिया हो जाता, मतलब कमर से नीचे उनका काम नहीं करता, न सेंसेशन रहता, चूँकि दबते दबते एकदम इंड स्टेज आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे दबते जाता है, धीरे धीरे दबाव बढ़ते जाता है। तो सर, जो पेशेंट हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि दो दूर से सहरसा से हो, या फिर समस्तीपुर हो, या आसपास के बेगूसराय के जो क्षेत्र में हो, अगर पटना जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, उनको बेगूसराय में संभव नहीं हो पाता है कि यहाँ पर आना, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने? ये इलाज संभव है, जो भी पटना जा रहे हैं या दिल्ली, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, ये सर्जरी यहाँ पे कम कॉस्ट में और सक्सेसफुल सर्जरी होगा। ये मेरा 5वां स्पाइनल सर्जरी है इस हॉस्पिटल में, मेरा ये 5वां स्पाइनल सर्जरी है, ठीक है। हम मैंने बेगूसराय में भी 5 सर्जरी किए हैं, जिसमें से 4 ये मेरा ये साइटिका वाला था, और 2 ट्रोमा का केसेंट था, जो 2 फ्लोर पर से एक बच्चा गिर गया था तो उसका भी था, पैराप्लेजिया हुआ था, मैंने कमर के नीचे उसका काम करना बंद कर दिए थे, उसका किए थे। ये मेरा 5वां सर्जरी, आगे भी करते रहेंगे, हम आगे करते रहेंगे। और इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी हो, किसी को आयुष्मान कार्ड हो, तो हम उस माध्यम से भी इसका सर्जरी करेंगे। कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि इलाज के बिना, गरीब आदमी को इतना तो हक है ना कि उसको इलाज होना चाहिए, अगर पैसा है तो वो पैसा मेरे को देगा, अगर नहीं है तो मैं मुफ्त में उसे इलाज करूँ। और मेरा पर्पस ये मेडिकल प्रोफेशन या डॉक्टर प्रोफेशन में आने का एक ही है कि इस प्रोफेशन से मेरे को खुशी तब मिलता है जब उसका हम रिजल्ट देखते हैं। जैसे ये बाबा का सर्जरी किए हैं, और सुबह मेरे को क्यूरियोसिटी था, हम ऐसे क्लिनिक 12 बजे आते हैं और आज हम 10 बजे आए कि देखना है कि बाबा का क्या हो, तो बाबा जब चले तो हमको वो खुशी दिया, ना कि वो बिना पैसे का मेरे पास सर्जरी करवाए, वो हमको खुशी नहीं मिलता।
जो खुशी आज हमको मिला है या जो 5 सर्जरी किए हैं सब उसमें जो खुशी मिला उसमें सबसे ज़्यादा इनमें खुशी मिला, चूँकि ये बिना पैसा का किए थे और उसके बाद इनका रिजल्ट सुबह ही चले तो ये जो आशीर्वाद और इनका जो उनके चेहरे पर जो खुशी देखे उस खुशी को देख के हमको भी खुशी मिला। और हमारे जितने भी ये स्टाफ हैं इस मामले में सब लोग जितना भी है सब कोऑपरेटिव, कोई भी नहीं बोले कि सर इसमें पैसा नहीं है तो कैसे चलेगा, बोले नहीं सर कीजिए आप जैसे कीजिए, क्योंकि हम अपना फी छोड़ दिए तो ये लोग भी तो ये लोग बिल्डिंग लिए हुए हैं तो सबका चार्ज है, लेकिन ये बोले कि नहीं सर गरीब के लिए इतना तो हक है, दूसरे किसी पेशेंट फिर कोई देख जाएगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं तो एक अवसर आपको डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में मिल जाएगा जहां पर आप स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो और बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो या चाहे जो डिटेल्स में है इनके द्वारा इनके अस्पताल आके कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं और यहां पर अपने जो ट्रीटमेंट है चाहे स्पाइन्स का हो बोन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर सौरभ कुमार जी के द्वारा बेस्ट इलाज होता है यहाँ पर। और डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल में आकर आप कम खर्च में मुझे लगता है कि ये सपोर्टिव और आप इसका एड्रेस भी जानते हैं सब कुछ जानते हैं डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल का जो कि ट्रैफिक चौक के पास है और यहाँ पर सक्सेसफुल रिकवरी भी हो गया है पेशेंट का और यहाँ पर संभव है अब इस तरह का इलाज करने क्योंकि बेगूसराय हाईटेक जगह है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं बाहर। तो ये थे डॉक्टर सौरभ कुमार और डॉक्टर AK पाठक मेमोरियल हॉस्पिटल से थे जहाँ पर हम बताए कि कैसे स्पाइन रिलेटेड और जो भी हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका निदान यहाँ पर होता है और आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो भी सहरसा और जो भी बिहार के आसपास जो भी बेगूसराय के आसपास के शहर हैं जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर आकर डॉक्टर सौरभ कुमार से मिलकर कंसल्ट कर अपने प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। जो बूढ़े बाबा हैं उनसे भी हम बात करवाएंगे कि कैसे उनको प्रॉब्लम था और क्या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इन्होंने किया। तो इसी कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला शिवरी बख्तियारपुर से। क्या नाम हुआ? गर्भोराम। क्या समस्या था आपको? समस्या कमर में दर्द था आज 1.5 साल से, दो चार कदम चलते थे, यहाँ आए तो कम पैसा में इलाज हुआ अब सही चलते हैं। लगा था कि निदान हो सकता था? जी बेगूसराय शहर में लगता था कि सब ऐसा इलाज होता है कि नहीं? हाँ लगा, तब ना सर यहाँ आए तो इलाज करवाए। अब इन पर विश्वास है ना? जी। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी सही महसूस है। तो आप क्या जो भी आपके जैसा पेशेंट होगा उनको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ आने के? जी जब हम सही हो गए तो दूसरे को तो कभी करेंगे कि वहाँ हम सही हो गए हैं तुम भी जाओ वहाँ सही हो गए। डॉक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब और अस्पताल को कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का डॉक्टर AK त्रिपाठी मेमोरियल हॉस्पिटल धन्यवाद। के साथ मैं कुमार सानू ऐसे ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सर के द्वारा और जो भी आजकल जो मेडिकल रिलेटेड इश्यूज आता है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूं आपसे अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में, तक करें आप हमारे चैनल से जुड़े जिसका नाम है फॉर्ब न्यूज़, ताकि हम ऐसे ऐसे न्यूज़ और आपके लिए आपके लाभदायक के लिए और आपके जीवन के लिए हम लोग ऐसे ऐसे खबर लाते रहे। इसी के साथ नमस्कार।